Hello everyone, my name is Monica and today we'll be starting with the first chapter of science, that is matter in our surroundings, right? अब क्या है ये वाला चैप्टर पढ़ने से पहले हमारे लिए कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर होनी चाहिए जानना. फर्स्ट है मैटर. मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट. हर वो चीज जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ ना कुछ वेट हो वो मैटर होगा. फॉर एग्जाम्पल आप ये बोर्ड देखिए, ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कुछ ना कुछ वेट है, तो ये क्या है? मैटर. ये मार्कर कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कुछ ना कुछ वेट है, तो ये क्या है? मैटर. सिमिलरली आपकी नोटबुक या फिर बेंच, एनीथिंग जो आप आसपास देखेंगे, हर वो चीज जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और जिसका कुछ ना कुछ वेट हो, वो सब क्या है? मैटर. और इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं हमारे अराउंड जितनी भी चीजें हैं, हमारे अराउंड जितनी भी चीजें हैं, दैट इज ऑल मेड अप ऑफ मैटर. अब क्या है क्लासिफिकेशन हम देखते हैं मैटर का. तो मैटर क्या होता है? दे आर मैटर इज क्लासिफाइड फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब आपको ये आपको बेसिक तो आता है, मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है. हम डिटेल में करेंगे कि मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. क्या होगा वो? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स. अब ये वाली जो क्लासिफिकेशन है हमारी, ये आगे नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, इसलिए हम अभी नहीं कर रहे हैं. फिलहाल हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज हाउ मैटर इज क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट चीज जो हमारे लिए जानना जरूरी है वो ये है कि मैटर इज मेडअप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स. मैटर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है. अब उसको प्रूव करने के लिए हमने एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करी. हमने क्या किया, एक हमारा बीकर था, बीकर के अंदर, बीकर मतलब क्या, एक ग्लास जैसा समझ लीजिए, और उसके अंदर हमने क्या किया, 100 ml वाटर डाला. 100 ml वाटर डाला. अब उसके बाद क्या किया, जैसे ही मैंने वाटर डाला उसके अंदर मैंने एक क्रिस्टल लिया, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल लगभग इतने साइज का होता है, राइट? बहुत छोटा होता है, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन काफी छोटे साइज का एक क्रिस्टल होता है पोटेशियम परमैंगनेट का. अब वो क्रिस्टल मैंने वाटर में डिसॉल्व किया. जैसे ही मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, ये जो वॉयलेट कलर था पोटेशियम परमैंगनेट का, धीरे धीरे हमने क्या देखा कि एक मिनट में ये सारा जो वाटर था वो पूरा वॉयलेट कलर का हो गया. अब इसको ऐसे समझते हैं, ये हमारा एक क्रिस्टल था पोटेशियम परमैंगनेट का. हुआ क्या होगा, पानी में जब ये वाला क्रिस्टल गया होगा तो पहले यहां सेटल डाउन हुआ होगा, है ना? अब धीरे धीरे ये क्रिस्टल ने छोटे छोटे क्रिस्टल्स और छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म करे और छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म करे और वो पूरे वाटर के मॉलिक्यूल्स में फैल गया. अब हुआ क्या, धीरे धीरे यहां जो वॉयलेट कलर का क्रिस्टल था उसने पूरा सोल्यूशन हमारा वॉयलेट कर दिया. यानी एक चीज तो ऐसे प्रूव हो गई कि जो हमारा एक छोटा क्रिस्टल था वो भी और छोटे क्रिस्टल्स में तोड़ा जा सकता. दैट मीन्स मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स. अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज हम समझ लेते हैं कि ये वाला प्रोसेस जिससे पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल या फिर किसी भी चीज का एक क्रिस्टल धीरे धीरे बाकी पूरे सॉल्यूशन में चला गया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या हुआ हमारा? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स अमंग वन अनदर. इंटरमिक्सिंग हुई है ना पार्टिकल्स की, ये वाला पार्टिकल और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स जो थे वो आपस में मिक्स होया और पूरा हमारा सोल्यूशन ये वाले कलर का हो गया, वॉयलेट कलर का. तो ये प्रोसेस जिसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होती है होता है, इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन. अब डिफ्यूजन के बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, बट फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए, राइट? अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मैटर? तो क्या है हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. कैरेक्टरिस्टिक्स, चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर की. फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. अब इसे प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, एक सेम एक्सपेरिमेंट जो मैंने पहले कंडक्ट किया था इसको मैंने थोड़ा ब्रॉड व्यू में दिखाया है. मैंने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल लिया था और ये वाटर में डिजोल्व किया था. अब ये वाटर कितना था, 100 ml. तो मैंने उस 100 ml को यहां मार्क कर दिया, ठीक है? तो अब उस 100 ml वाटर में जैसे ही मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डिसॉल्व किया, इनिशियली तो ये यहां पे जाके बैठ गया होगा पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल. अब उसके बाद क्या हुआ, एक आध मिनट बाद मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल और छोटे छोटे क्रिस्टल्स में टूटा होगा और इसके बीच में चला गया होगा,
ठीक है, तो दैट मींस के पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, यानी पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा पार्टिकल और काफी पार्टिकल्स में टूट गया और ये पानी के बाकी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे उसके साथ जाके बीच में उसने अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, अब ये वाला एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, इसके लिए हम एक और एक्टिविटी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, 10 ml सोल्यूशन लिया वाटर का। ठीक है, अब उस 10 ml सोल्यूशन में मैंने क्या किया, 1 ml 10 ml सोल्यूशन में मैंने 1 ml डिटॉल डाला। अब डिटॉल इजीली अवेलेबल होता है तो ये वाला एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, 10 ml वाटर लिया, उसके अंदर 1 ml डिटॉल डाला। अब जैसे ही मैंने 10 ml वाटर में 1 ml डिटॉल डाला, वो डिटॉल डिजोल्व हो जाएगा वाटर में और उसमें से डिटॉल वाली स्मेल आने लग जाएगी पूरे 10 ml वाटर में से। अब मैंने क्या किया, ये पूरा सोल्यूशन कितना 11 ml हो गया। अब क्या किया, ये जो सोल्यूशन था इसमें से मैंने इस 11 ml से 1 ml सोल्यूशन निकाला और उसको क्या किया, वापस 10 ml पानी में डाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 11 ml जो हमारे सोल्यूशन बन गया था उसमें से 1 ml निकाला और वापस 10 ml पानी में डाला और अच्छे से डिसॉल्व किया। तो उसमें से देखा मैंने फिर स्मेल आ रही थी, उसके बाद मैंने उसमें से फिर 1 ml लिया और वापस डिसॉल्व करना स्टार्ट किया और थर्ड टाइम जब मैंने डिसॉल्व किया तो भी जो ये डिटॉल वाली स्मेल थी थर्ड सोल्यूशन में भी प्रेजेंट थी। अब इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो डिटॉल का 1 ml है वो भी काफी ज्यादा डिसॉल्व हो सकता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट सकता है जिसकी वजह से हमें स्मेल आती है। दैट मींस पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। नाउ लेट्स गेट टू आवर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। सो नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ स्पेसेस होती हैं। इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, एक 100 ml वाटर का वाटर लिया, 100 ml वाटर लिया और उसमें क्या किया, मैंने 50 grams शुगर डाली, 50 grams हमने चीनी डाली और उसको अच्छे से डिसॉल्व किया। राइट, अब मैंने जब ये एक्टिविटी करी तो उससे पहले मैंने 100 ml का एक मार्क लगा दिया यहाँ बीकर के ऊपर कि हाँ यहाँ पे एक मार्क लगा दिया, ये हमारा 100 ml सोल्यूशन हो गया। अब उसके बाद क्या किया मैंने, जैसे ही चीनी डिसॉल्व हुई मैंने क्या देखा कि ये जो 100 ml का हमारा मार्क लगा हुआ था, मैंने एक बीकर के ऊपर मार्क लगा दिया था कि ये हमारा 100 ml का मार्क है, मतलब यहां तक 100 ml बनता है। तो मैंने देखा कि जब मैंने 50 grams चीनी डाली उसमें और अच्छे से डिसॉल्व करी तब भी जो सोल्यूशन था वो 100 ml ही था, यानी यहां से पानी ऊपर नहीं गया था। That means, क्या हुआ होगा, अब कुछ ना कुछ यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होगा। राइट, तो शुगर सोल्यूशन ने क्या किया, आके ये वाली स्पेसेस ऑक्यूपाई कर ली, जिस हिसाब से ये जो पानी की वॉल्यूम है ये नहीं बढ़ी। शुगर ने क्या किया, इस वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस थी वो ऑक्यूपाई कर ली और वाटर की वॉल्यूम नहीं बढ़ी, विच प्रूव्स के पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम। मैटर के बीच में कुछ ना कुछ स्पेसेस होती है, अब कम होती है ज्यादा होती है, सॉलिड में क्या होती है लिक्विड में क्या होती है वो हम थोड़ा सा आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इतना हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, फर्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड नेक्स्ट इज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। सो हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो मैटर में पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। अब उसके लिए मैंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया सिंपल सा। मैंने क्या किया, इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक मतलब हमारी जो अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती ली और उसे जलाया। अब उसके बाद मैंने उस अगरबत्ती को उस एक पोजीशन पे रख दिया और मैंने क्या ऑब्जर्व किया, विद इन मिनट्स क्या होगा, पूरी जो स्मेल होगी अगरबत्ती की वो पूरे रूम में फैल जाएगी। अब हुआ क्या, मैंने तो अगरबत्ती यही रखी थी, मैं तो उसे घुमा नहीं रही थी, लेकिन फिर भी जो अगरबत्ती की स्मेल थी दैट स्प्रेड्स ऑल ओवर द रूम, विच प्रूव्स के जो स्मेल थी वो एयर के पार्टिकल्स में फटाफट डिफ्यूज हो गई। अब डिफ्यूज होने का मतलब क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग, या हमारे एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, काफी स्पेस होता है एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में, और हुआ क्या, जो इंसेंस स्टिक की स्मेल थी वो यहाँ उसके जो पार्टिकल्स थे उन्होंने यहाँ बीच में स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल रूम में अगरबत्ती वाली स्मेल आ रही थी। हेंस इससे क्या प्रूव हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो अपने आप मूव करते रहते हैं और अपने आप स्पेस ऑक्यूपाई करते रहते हैं। और क्या किया हमने, एक तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और वो बहुत छोटे साइज के होते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमारी क्लियर हो गई। राइट, अब वी विल गो टू द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी है हमारी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अब इस एक्टिविटी को प्रूफ करने के लिए मैंने इस कैरेक्टरिस्टिक को प्रूफ करने के लिए मैंने एक एक्टिविटी क्या करी, मैंने एक आयरन नेल लिया, एक आइस क्यूब लिया और एक चॉक ली. राइट, एक आयरन नेल हमने कील ली, आइस क्यूब लिया, एक बर्फ का टुकड़ा लिया और एक चॉक ली. और मैंने एक हैमर लिया, एक हथौड़ी से तीनों को ब्रेक करना स्टार्ट किया. राइट, और मैंने क्या ऑब्जर्व किया, सबसे इजीली ब्रेक क्या होगी, चॉक पार्टिकल. चॉक पार्टिकल सबसे इजीली ब्रेक होगा. उसके बाद थोड़ा सा और ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो हमारा आइस क्यूब ब्रेक होगा. और ये आयरन नेल, एक नेल के टुकड़े को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो जाके इसका कुछ होगा. दैट मीन्स कि ये सब क्या, ये मैटर था. तो मैटर ने क्या किया, कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस थे. राइट, कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस थे इन पार्टिकल्स के बीच में और इसी वजह से उनको तोड़ना मुश्किल हो रहा था. चौक को तोड़ना आसान था, मतलब उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या थे, कम थे. ऐसी आइस क्यूब को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल था, दैट मीन्स इसमें अट्रैक्टिव फोर्स थोड़े से ज्यादा थे और आयरन नेल में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स थे. विच प्रूव्स के हमारा जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा होते हैं. अब धीरे धीरे हम आगे सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस भी देखेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्स सॉलिड में सबसे ज्यादा होते हैं, लिक्विड में उससे कम और गैसेस स्टेट में सबसे कम. फिलहाल ये वाली प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो गई कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. राइट, तो हमने क्या किया, चार मेन प्रॉपर्टीज करी. अब उसका ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार. सो मैंने क्या मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी आज मैटर की. फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी इन साइज. वो जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं साइज में. उसके बाद नेक्स्ट मैंने प्रॉपर्टी देखी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्पेसेस इन बिटवीन देम. मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसमें कुछ स्पेस होती है. वो हमने क्या किया, शुगर सोल्यूशन वाले एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया. नेक्स्ट हमने देखा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं. राइट, उसके लिए मैंने क्या किया, एक अगरबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट किया जिसके थ्रू ये प्रूव हुआ. और फोर्थ प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. कईयों में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होते हैं, कईयों में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होते हैं. तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक थी मैटर की. अब अलग अलग हम नेक्स्ट क्लास में सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट लेंगे और उसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे होता है और क्या क्या होता है. फिलहाल दैट इज इट फॉर टुडे. अगर आपको नोट्स चाहिए यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू सब्सक्राइब टू माई वीडियो. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.